A square तो zero हो गया, minus four into r into t, okay बस हो गया काम खत्म। so ये आ गया आपका minus four x y, यही आया आप लोगों को a square minus four r t। हाँ अब इसका साइन डिपेंड करता है भैया, जरा ध्यान दीजिए इधर ऑल ऑफ यू, वो ऑप्शंस में दिख रहा है आपको कहीं भी इक्वल टू जीरो नहीं है, तो पैराबोलिक वाले तो चीज छोड़ी दीजिए, आप सिर्फ ये बात करेंगे हम कि ये जो आंसर है ये कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा, यही काम करना है, इसी पे काम करना है। आओ इधर आओ एवरी वन, यानी सभी महानुभाव जरा सामने देखें, छोटी सी चीज वही आपको तो एनालिसिस से बिल्कुल भी, खैर अगर दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो क्या होगा, या अगर दो इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज इज नेगेटिव देन व्हाट विल हैपन, दे विल कैरी द सेम साइंस, दे विल कैरी अपोजिट साइन, यही तो करना है, जरा सा काम करना है। दिस इज ए एंड बी हैव, जल्दी बोलो यहाँ क्या होगा, यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर यू देयर, मालूम होता है आपको, हाँ जी ये सेम साइंस का मतलब या तो ए पॉजिटिव के साथ साथ बी पॉजिटिव हो या फिर ए नेगेटिव के साथ साथ बी नेगेटिव हो, अपोजिट साइंस का मतलब अगर ए पॉजिटिव है तो बी को कैसा होना चाहिए, हाँ जी अगर ए नेगेटिव है तो बी को कैसा होना चाहिए, हाँ जी बेटा जी क्लियर हो गया आपको, ये वाला काम करना है प्रेजेंट क्वेश्चन में, सच में यही करना है। तो आपको पेन क्यों रुक गया, रुकना तो नहीं चाहिए था, साथ दीजिए जरा आप सभी महान आत्माएं सामने देखेंगे, हाँ जी ये जो क्वांटिटी आया है ये क्वांटिटी कब पॉजिटिव होगा और ये क्वांटिटी कब नेगेटिव होगा, बस इतना सा बता दो, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होने के लिए आप समझ गए आई थिंक, तो दिस इज पॉजिटिव इफ द प्रोडक्ट एक्स वाई इज नेगेटिव, बात समझ में आई, हाँ जी दिस इज नेगेटिव इफ द प्रोडक्ट एक्स वाई इज पॉजिटिव, इज दिस लाइन ओके, हेलो स्टूडेंट्स, हाँ देखते रहिए देखते रहिए भाई, ये इसके लिए मैंने आपको कुछ बोला था, दैट इज इफ x and y have opposite signs, इतना ही तो लिखना है, यहां बोलो क्या लिखेंगे, बोलो सर आप जानो हम तो क्या लिखेंगे भैया, यहां यहां क्या हो गया, नीचे दिख रहे हैं ना, है वो ये थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, सेम साइन, इधर साथ दीजिए आप सभी लोग, ओके एवरीवन सभी महानुभाव, हाँ जी अगर ये ए स्क्वायर माइनस फोर आर टी का आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो भाई पॉजिटिव का मतलब तो हाइपरबोलिक होता है, am I right? और नेगेटिव का मतलब आपका एलिप्टिक है, अरे ठीक है ना ये, तो बस आप देख लो अपने आप, तो हाइपरबोलिक होने के लिए इनका साइन अपोजिट होना चाहिए भाई, ये यहाँ ऑपोजिट साइन कैरी कर रहा है बिल्कुल ठीक है, और एलिप्टिक होने के लिए इनका साइन सेम होना चाहिए, क्या ये दोनों का साइन सेम है एलिप्टिक के लिए, नहीं, हाँ जी हाइपरबोलिक के लिए साइन ऑपोजिट होना चाहिए, नहीं एलिप्टिक के लिए साइन सेम होना चाहिए, बात समझ में आ गई, बोलो देखिए कितनी आराम से हो जाएगा, वो पढ़ने पढ़ाने का तरीका होता है भाई, शोर करने से कुछ नहीं होगा, इतनी बड़ी चीज आराम से हो गई, जो जो जैसे जैसे कराया जा रहा है करते रहिए,